जहाँ अंधेरा है कहाँ लो जिंदगी का मजा ना खुद को दो सजा हाँ। ये तोहफा है जो जिंदगी है इसकी कदर करो ये भी बंदगी है चलो आज खुद से ये वादा करते हैं चलो आज खुद से प्यार ज्यादा करते हैं चलो इन लम्हों को खुशियों से सीते हैं आज जिंदगी जीते हैं आज जिंदगी बहुत जरूरी है जो आज डिजिटल uh, और or... होते जहां पे मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है लेकिन हमको इट वाज वेरी क्लियर बोथ फ्रॉम चिंतन एंड फ्रॉम वैशाखी दैट वी वांटेड टू मेक द सॉन्ग थोड़ा एंटरटेनिंग इस तरह के गाने जब हम बनाते हैं ना तो बहुत ही मतलब मायूस और थोड़े इंटेंस होते हैं जो लोगों को आजकल सुन के ऐसा लगता है कि यार मुझे प्लीज वो मेरे मुझे सिखाओ मत करेक्ट तो इट वॉज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये हम किस तरह से एंटरटेनिंग बना दें इस गाने को और थोड़ा सा यू नो हालांकि है ये मैसेज बहुत इंटेंस मैसेज है कि लेकिन जिस तरह से वर्ड्स लिखे गए थे कि आज ज़िंदगी जीते हमें एक ख़ुशी का एक माहौल uh, करना था कि इससे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ना दिखाते हुए कि ज़िंदगी कितनी बेहतरीन है कितनी कमाल की है इसको इसका क्यों ना हम मज़ा लें विदाउट एनी यू नो वॉइज विदाउट एनी

लाइफ इज़ ब्यूटिफुल लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं इस इस चीज़ों का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही यू नो यूजलेस है तो इस तरह का तो पहली बार तो हमने जब गाना बनाया था वी एक्चुअली रिमूवड इट वी बहुत इंटेंस हो गया था सॉन्ग okay. तो, फिर मैंने कहा कि इसके लिए मैंने ना ऑनिस्टली जब मैंने ही गाना बनाया था तो मैंने मेरे कलीग शिवानश की हेल्प ली ही वर्क विथ एस और वो खुद एक बहुत अच्छा म्यूजिशन है सिंगर है तो उसने Uh, कुछ पार्ट्स उसने सजेस्ट किए कि सर इसको इस तरह से करते वर्ड्स तो इरफान ने लिख लिए थे मैशा की इट गिवन टू अस तो वर्ड्स उसके क्लियर थे लेकिन मैं इस गाने को अभी जाहिर है यार मेरी भी थोड़ी उम्र हो रही है तो मैं थोड़ा <laughs> मैं थोड़ा गाने को इंटेंस कर रहा था शिवांश मेरे से uh, मेरी आधे आधी उम्र का है मतलब ही इज हाफ माई एज तो उसने कहा कि सर थोड़ा सा एंटरटेनिंग करते हैं थोड़ा सा गाना फुट टैपिंग करते हैं और मुझे वो एक नया दौर अच्छा लगा मुझे आई आई फेल्ट लाइक हाँ इसमें कुछ अलग बात है एंड सो देन थोड़ा सा देन वी दोनों को मिस मिक्स करके uh, कुछ नोट्स जो मैंने कंपोज किए थे वो हम रखे और शिवाज ने कुछ सजेस्ट किया इन इस तरह से बात बनी वीडियो जब वीडियो पर भी जब बात आई तो यू you नो know, कुछ कुछ चीज़ें जब हमने बनाई थी तो उसको ऐसा लगा कि यार नहीं है वी शुड वी शुड मेक इट अल मोड डिफरेंटली तो ये जो गाना था वो थोड़ा इट वाज़न इजी टू मेक क्योंकि इसका जो मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू था वो बहुत ही हमे कैजुअल करना था राइट बट इट्स नॉट अ कैजुअल थिंग है वैसे बहुत ही uh, बहुत ही डीप uh, सब्जेक्ट uh, है।, है लेकिन इसको किस तरह से पेश करना ये थोड़ा सा uh, मुश्किल काम वेल डन आई थिंक यू ऑल एवर सक्सेडेड सो वेल डन ट

बट चिंतन कन्विंस्ड कि नहीं सर कुछ रखेंगे तो अच्छा रहेगा में आता है, बहुत आते है और बहुत अच्छी तरह से आता है जिसकी फील भी अच्छी है।, yeah. exactly. no, honestly, teamwork, यार. Honestly, है जो जिसने ये, ये वीडियो बनाया है उसकी भी बहुत अच्छा मतलब उसका हा, हाथ है चंडीगढ़ का है और सब लोग सब लोग का यू नो सहयोग कुछ अच्छी चीज करने में ना Teamwork, जब जब लोग जुड़ जाता है ना तो उस, उनकी एनर्जीज यू नो जुड़ जाती है और वो अच्छा ही हो जाता है यार देखिए ये आई मीन ये, I mean, ये सब जो किसी के ऊपर उंगली उठाना किसी के ऊपर ये कहना कि ये गलत है ये अच्छा है ये गलत है आई थिंक हमने हमारा काम कर लिया है जो लोगों तक हमको मैसेज पहुंचाना था कि इसके इसका जो प्रभाव है इसका जो इफेक्ट इसकी जो इफ़ेक्ट्स है इसके कितने यू uh, नो uh, you know, और हम ये भी नहीं कह रहे कि इसका इसमें क्या प्रॉब्लम्स है और इसमें क्या हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जिंदगी को अपनी जो ज़िंदगी आपको जो मिली है उसको आप अहमियत दीजिए और उसको आप यू नो खुशहाल और बनाइए दैट्स ऑल आर सिंग बट ऑफकोर्स बहुत सटनली जो मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो सोचा है जिस तरह से वैशाखी और चिंतन ने सोचा है आ, वो बहुत ही अच्छे से कमाल से बहुत पोइटिकली इसमें चिंतन और मेरी बहुत बात होती रहती है कैसे हम इनसे करें तो, uh, मैं तो बहुत पहले से छोड़ चुका हूँ कभी देखा था आपने बहुत जमाना हो गया मैं मैं खुद एक यूज़र था और बट काफी वक्त हो गया मैं छोड़ दिया और, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड मतलब, you know, uh, अगर, अगर भी रहा हूँ तो मुझसे ये हक कौन छीन रहा है कि मैं आपको मना करूँ कि आप ठीक है प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच अ वेरी ओल्ड सींग बट का तो मतलब ये है कि अगर मैं आपको नुकसान होने से बचा सकता हूँ मैं नहीं बचाऊँ बिकॉज मैं वो नुकसान खुद को पहुँचा रहा हूँ ये कहाँ की लॉजिक आई कैन इवन इफ आई एम यू नो डूइंग आई एम आज मैं एक चीज़ पे एडिक्ट हो गया हूँ तो मुझसे आप ये राइट मत छीन लो कि मैं मेरे भाई को मना नहीं कर सकता कि भाई तू मत पी यार मैं तो पी रहा हूँ तू मत पी तू अपने आप को नुकसान मत पहुँचा आई रियली आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस लॉ जस्ट आई मीन

ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए था क्योंकि ये मैसेजिंग जो था वो आ, थोड़ा इंटेंस मैसेजिंग है हम चाह रहे थे कि ये लोगों तक पहुँचे बट ज़्यादा प्रीची ना लगे ऐसा नहीं कि किसी को कुछ सिखा रहे हैं या कुछ बता रहे हैं या कुछ यू नो तो वो एंटरटेनमेंट के थ्रू अगर कोई मैसेजिंग पहुँचाना है ना तो वो हमेशा आसान नहीं होता इतना क्योंकि अगर आपको किसी को नचाना है या किसको गवाना है या सिर्फ किसी को किसी के मन में खुशियाँ ले आना है तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है बिकॉज म्यूजिक वो आम उम कर देता है नेचुरली कर लेता है बट कभी किसी को कुछ चीज़ सिखाना हो या कुछ बताना हो या कुछ अब उसके दिल में कुछ जागरूक करना हो तो वो फिर थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है तो यस, इट वाज स्लाइटली मोर चैलेंजिंग देन एनी अदर फिल्म एंड एड और एनी अदर म्यूजिकल प्रोजेक्ट पर जब नीयत अच्छी होती है तो काम अच्छा हो ही जाता है हमारा डिस्कशन हो चुका है मैं आपको पहले एक शॉर्ट में बताया था मेरा अप्रोच ये था कि मुझे खुशी प्राइड साइड दिखाना है मतलब दो तरीके होते हैं ना एक तो मैं आपको डरा दूँ कि आप गिर जाओगे और तो एक आपको बोलूँ संभल के चलो तो बात वही है बट अप्रोच अलग है सडनली जब संभल के चलो तो आप पॉजिटिव हो जाते और जब गिर जाओगे कहूँगा तो शायद आप डर जाओगे और अपने हर कदम पे ध्यान रखोगे

या yeah, कि okay, भाई वो आप वो सब दिखाओ कि मतलब वैसे पिक्चर्स दिखाओ वैसे इमेजेस दिखाओ वैसी बातें बताओ कि आप मर जाओगे आपको ये हो जाएगा आपको वो हो जाएगा वो डराने से बेहतर आई थॉट्स टॉक अबाउट द्राइटर साइड ऑफ लाइफ विच इज लाइफ इट्स वॉट यू नो बेसिकली यू नो वो दईडिया वॉज इट वॉज डिफिकल्टू कन्विंस एवरीबडी बट देन फाइनली आई एम ग्लैड दैट यू नो इट्स लुकिंग द वे इट इज लुकिंग एंड वो मैसेज शायद आई होप इट विल बी सेंड अ लोग सुन के आप नॉर्मली भी आप ऐसे गाने सिगरेट पीते पीते भी, भी लोग शायद सुनेंगे और इंजॉय करेंगे बट वो कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस उसके इमेज आ जाएंगे वीडियो के विच विल समवेयर माइट हिट पीपल यू नो और इसके अंदर कहीं ना कहीं दूसरे लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स भी अगर आप ले लोगे ना तो हम तो ये बोल रहे हैं कि आप जिंदगी जीते सलीम सर आपसे और एक चीज जानना चाह रहा था मैं कि थोड़ी देर पहले जो सलील जी ने कहा कि वो बचपन में जिस तरह से इन्फ्लुएंस हुए थे और थोड़ी देर पहले पूछा भी था कि बहुत सारे एक्टर्स जो है एक गुटका को प्रमोट करते हैं बड़े बड़े एक्टर्स जो कि यूथ को इन्फ्लुएंस करते हैं यूथ उनसे इंस्पायर होता है तो और अक्षय कुमार जी ने ऐड करके फिर उन्होंने विद्रॉ भी किया था इस चीज को लेके तो अगर आप उस बारे में कुछ बात करना चाहें मैं अक्षय कुमार जी को एक तो अच्छी तरह से जानता नहीं हूँ ना मुझे इस चीज में कुछ ज्यादा नॉलेज uh, है, तो मैं बोल के क्या करूंगा ना, <laughs> ना सो आई है चलो आज मिलके कुछ वादा करते हैं कि है। wow, wow. हम इधर उधर की बातें ना करें <laughs> Uh, yes <laughs> बजट तो जब नियत अच्छी होती है तो बजट जाता है यार कंजम्पशन uh, में तबाको के तो वो तो एक ऐसा एज है जहां पे इंसान को तो खुद समझ नहीं होती कि वो कर क्या रहा है uh, uh, या क्या, क्या करना चाहिए तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप सजेस्ट कर सकते हैं ऐसी चीजें जो जिससे एक बिहेवियर चेंजेस आएगा लॉन्ग टर्म के लिए ताकि बच्चे स्टार्ट से ही थोड़ा सा जैसे